नमस्कार, आप देख रहे हैं इजी शिक्षा। मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे जिसका शीर्षक है माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। इसलिए वो लोगों के घर घर जाती, बर्तन मांजती, सिलाई बुनाई करती और घर में झाड़ू पोछा करके पैसे कमाया करती थी और किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से बहुत शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन में चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल की बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेज दीजिए। ये बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सकने का दुख हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है। उसकी बुद्धि तीव्र है और वो बाकी बच्चों से अलग है। समीर बहुत ही खुश हो गया। माँ ने उसका दाखिला एक दूसरे स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और वो एक आईएएस अफसर बन गया। उसकी माँ को उस पर बहुत नाज था। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। कई दिनों से वो बहुत ही बीमार चल रही थी और एक दिन अचानक उसकी माँ की मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये समय बहुत ही मुश्किल था। वो बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक करके सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ गई। दरअसल वो वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर ने उसे पढ़ा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, पर वो जहां भी है उसकी माँ का आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। बच्चों, रूडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयरफॉर ही मेड मदर्स, यानी कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देती रहती है। अपनी जरूरतें मार मार कर हमारे शौक को पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तब भी उसकी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों, आज आप सभी को चित्र बनाना है अपनी अपनी माँ का और हमें भेजना है हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके,
और आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।